Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हरियाणा चुनाव कांग्रेस की इनफाइटिंग को लेकर चर्चा में है तो दूसरी तरफ भाजपा के डिसिप्लिन को लेकर चर्चा में है. तीसरी जो वजह है वो है यहाँ की महिला कैंडिडेट्स. हरियाणा की महिला कैंडिडेट्स में नौक्षम चौधरी जो मेवात से हैं, दूसरी तरफ आदमपुर सीट से सोनाली फोगाट हैं. सब लोग लिख रहे हैं कि वो एक टिकटॉक स्टार हैं, टिकटॉक से उन्हें टिकट मिली है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है. आज हम उनके जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं. ऐसे में जब हरियाणा में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है. टिकटॉक जो ऐप है ना, वो एक मिलेनियल्स यानी कि 20 से 25 उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा पॉपुलर है. वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. आप खुद 40 साल की हैं और आपको कैसी वो ऐप लगती है? एक मुझे बहुत अच्छी बेहतरीन ऐप लगती है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है टिकटॉक पे जब हम लोग वो वीडियो बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं. उसमें कितनी मेहनत लगती है? मेहनत बड़ी लगती है. वही डिटेल्स बताइए, क्योंकि कई लोगों को पूरा पूरा दिन लग जाता है वो डायलॉग रटने में. हाँ, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, रात भर जगते हैं. आप कितनी मेहनत करती हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है रात भर जगूं. गाने सुनने का बचपन से शौक़ है, गाने याद ही हैं, और जब गाना बजता है तो वो लिपसिंग करते हैं और तुरंत हो जाता है. आपका टिकटॉक को लेकर इतना कुछ कहा जा रहा है, कुलदीप बिश्नोई ने भी शायद कुछ कहा है, आप पर प्रेशर बनाया गया कि डिलीट करिए, ऐसी वीडियोस क्यों बनाए, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ मेरे जानकार, कुछ राजनीतिक लोगों ने भी मुझे कहा कि ये क्या है. तो कुछ लोगों ने कहा भी, भाई देखिए कोई इसमें बुराई नहीं है. कुछ ने कहा डिलीट कर दीजिए तुरंत. तो मैंने कहा नहीं, अभिनय मेरा क्षेत्र है, अभिनय से जुड़ी हुई ये चीज़ है, मैं करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं करती रही. सुदेश फोगाट, 10वीं तक पढ़ाई की और 17 साल की उम्र में शादी हो गई. शादी के बाद सुदेश की पहली शर्त घूंघट ना करने की थी. मैंने घूंघट नहीं किया, मैंने परमिशन ली थी पहले ही, शादी से पहले पूछ लिया था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अगर परमिशन है तो ही मैं शादी करूँगी. राजनीति में आने से पहले सुदेश से सोनाली फोगाट बनी भाजपा की आदमपुर सीट की उम्मीदवार के सामने न सिर्फ भजन लाल परिवार के गढ़ को तोड़ने का चैलेंज है, बल्कि साथ ही अपनी सोशल रिबेल की छवि को बरकरार रखने का भी चैलेंज है. आपको लेकर कहा जा रहा है कि टिकटॉक स्टार है, वहाँ से टिकट मिल गया है, उस बात में कितनी सच्चाई है? और हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं, जो कि हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं महिलाओं पर, कैसे आप उसे देखती हैं? बिल्कुल, हरियाणा में थोड़ा बाकी राज्यों से अलग है. हमारे यहाँ महिलाएं घूंघट करती है, और कृषि प्रधान प्रदेश है, खेतों में काम भी करती हैं महिलाएं. पर मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं, तो मैंने खेती वाला माहौल भी देखा है, खेत में काम भी किया है. भाजपा से कैसे जुड़े? क्योंकि आपके घर में एक बुजुर्ग दादी बता रही थी कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन अभी वो आपको करेंगी, तो क्या घर में क्लैशेस नहीं होते आइडियोलॉजी को लेकर, क्योंकि भाजपा अलग पार्टी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरा परिवार तो मेरी सास चौटाला जी के परिवार से, वहाँ से मतलब रिलेशन रहा है, तो शुरू से ही इनेलो की सरकार रही, उनको सपोर्ट किया. मेरे जैसे जेठानी की फैमिली, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन जब से उनको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं राजनीति में हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ो और आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही है. तो मेरी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सबने अपने अपना जो भी हाँ वो चेंज की. आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में बिश्नोई परिवार पिछले 2 महीने से लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सोनाली फोगाट को कैंपेन करने के लिए महज 15 दिन का टाइम मिला है. कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि आपको गांव के नाम तक याद नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो साथ वाली जो विधानसभा मेरी है नलवा, तो मैं नलवा में काम कर रही थी, और मुझे अचानक से दूसरी विधानसभा दी, लेकिन उस दूसरी विधानसभा में भी मैं गई हूँ, वहाँ के लोगों से भी मैं परिचित हूँ, क्योंकि साथ वाला है. मैं 22 साल से हिसार जिले में रह रही हूँ, हिसार जिले की विधानसभा है ये, तो क्यों नहीं गांव के नाम याद हो गए. और मैं 15 दिन अभी दौरे करूँगी, काम करूँगी, जब शुरुआत करूँगी तो सारे के 53 के 53 गांव के नाम भी याद कर लूँगी. जवाब रिजल्ट वाले दिन ही उन्हें देंगे? हाँ, जवाब तो जब रिजल्ट आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट है, देखिए जनता किसे पसंद कर रही है. लेकिन सोनाली का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री से उनके दोस्त रवि किशन से लेकर सनी देओल तक उनके लिए प्रचार करने आएंगे, और ऐसे में वो अपनी जीत के लिए पॉजिटिव सोच लेकर चल रही हैं. या राजनीति में ग्लैमर वर्ड के लिए जगह नहीं, ऐसा नहीं है, ये बरसों से होता आ रहा है,
और सब लोग आ रहे हैं। हेमा मालिनी हमारे यहाँ बहुत समय से, हमने दो बार, दूसरी बार एमपी बनी है अभी, और बहुत से लोग आ रहे हैं। अभी मेरे साथ एक फिल्म में मैंने और रवि किशन ने काम किया। रवि किशन ने इस बार लोकसभा लड़े, तो मैं भी लोकसभा के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। हिसार लोकसभा में मेरा पैनल में नाम ज़रूर गया। तो रवि जी कह रहे थे कि अरे आप तो बहुत अच्छी नेता हैं, नेतागिरी वाले सारे गुण रखती हैं, हम तो सिर्फ एक्टिंग ही करना जानते हैं। वो बड़े मुझे उन्होंने अभिनय सिखाया भी, तो बोले एक दिन अच्छा, बहुत अच्छा करेंगी, बहुत अच्छा नाम करेंगी। तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भी दी और मेरे से पहले एमपी बन के बैठ गए। तो देखिए मेरी बात हुई थी उनसे जब मैं टिकट के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था कि विधानसभा लड़ना है, तो कह रहे थे कि मैं आपके प्रचार में आऊँगा। तो अभी मैं बात करूँगी, एक दो दिन में उनसे बात करने वाली हूँ कि टिकट मिल चुका है, अब आ जाइए। और कौन कौन लोग आ रहे हैं फिल्मी इंडस्ट्री से आपके लिए? बहुत बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दो चार तो नाम बताइए। जैसे सनी देओल जी आएंगे, और दूसरा मेरे साथ सीरियल में बहुत सारे लोगों ने काम किया, जैसे शावर अली ने किया, उर्वशी शर्मा, नवाब शाह, अमन वर्मा, और कंचन अवस्थी है, एक्ट्रेस हैं वो भी। हाँ, वो बहुत सारे नाम हैं जिन जिन लोगों के साथ काम किया। पुराने लोग हैं इंडस्ट्री में जो, वो आना जाते हैं। कई डायरेक्टर भी हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि आपके लिए हम ज़रूर कैंपेन करेंगे। किसी भी देश में जब, चाहे राजनीतिक मामला हो, कोई भी मामला हो, महिलाओं की भागीदारी उतनी ही रहती है जितनी पुरुषों की। और आजकल राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ के काम कर रही हैं, और हमारी पार्टी जो है संगठन में भी महिलाएं बहुत सारी काम कर रही हैं। बिश्नोई बाहुल्य सीट जहां पर महिलाएं घूंघट जैसी प्रथा में विश्वास रखती हैं, वहां की महिला वोटर्स को अपने व्यक्तित्व से सोनाली किस तरह प्रभावित कर पाती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।